हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है ज्ञान का अहंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घमंडी व्यक्ति शहर से पढ़ लिख कर अपने पुराने गांव आया। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करने के बाद ही वह अपने गांव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसकी नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? नाविक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा। घमंड और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुमने अपनी आधी जिंदगी व्यर्थ में ही गवा दी। थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई और घमंड दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से फिर पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। अहंकारी व्यक्ति ने फिर जोर से ठाका लगाकर नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह मन मार कर रह गया और उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलने के बाद अचानक नदी में उफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। यह देखकर नाविक के चेहरे पर कुछ शिकन भरी रेखाएं उभरी, लेकिन फिर भी वह मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछता है, साहब, आपको तैरना भी आता है या नहीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और व्याकरण को सहायता के लिए बुला लेना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यह नाव डूबने वाली है। यह कहकर नाविक नदी में कूद कर तैरता हुआ किनारे पर आ गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।